मित्रों आइए, इसके पहले कि मैं अपनी फॉर्मल टॉक पे आऊं, आदरणीय मंच एवं सम्मानीय सदन, धन्यवाद उस व्यक्ति का जिसने इस धरती पर आज के दिन ही कदम रखा है और जिन्होंने मेरे व्यक्तित्व का परिचय आप लोगों से करवाया, डॉक्टर अल्पेश गोयल। थैंक यू वेरी मच सर फॉर द नाइस वर्ड्स यू स्पोकन अबाउट मी। धन्यवाद उस व्यक्तित्व का जिससे मैं पिछले एक सप्ताह से कुछ कुछ बातें करता आ रहा हूं और जिसके अखंड सौजन्य से आज सुरेंद्रनगर में हम एनएमओ आपके द्वार तक लेके आए हैं, आदरणीय डॉक्टर सिद्धेश वोरा। नवीन भाई को धन्यवाद, भीष्म पितामह कहलाते हैं एनएमओ के, काफ़ी समय से एक्टिव है। फ्रैंकली कहता हूँ, पिछले कुछ समय से एनएमओ की तरफ से पिता ने अपना मोह थोड़ा त्याग दिया है। आज आप सभी गवाह इस बात के कि वापस एनएमओ में उनने इंटरेस्ट लेना चालू किया है। इसलिए नवीन भाई को हथकड़ी से बांधकर मैं जाऊंगा कि सिद्धेश भाई हमें नवीन भाई ने मुक्ता नहीं, क्योंकि आपने एक फादर फिगर नहीं हमेशा आवश्यकता होगी। बिना पिता के प्यार नहीं होता, बिना पिता के माँ का प्यार नहीं होता और बिना पिता के कोई अभिमान नहीं होता। इसलिए इस अभिमान को हमेशा हमें अपने साथ रखना है। भारत विकास परिषद बहुत सारे प्रोफेशनलों का एक बहुत बड़ा समूह है, उसे दूसरा पिता मिल जाएगा सर, हम कहाँ से लाएंगे। नारी शक्ति का अभिवादन भारतीय संस्कृति की परंपरा रही है मित्रों, और जब मैं इस कॉलेज के परिसर में घुसा या एंटर हुआ तो सबसे पहला मेरा परिचय यदि किसी से हुआ तो नारी शक्ति की प्रतीक आदरणीय डिंपल जी से। और जब डिंपल जी के व्यक्तित्व को थोड़ा सा झांकने की या टटोलने की कोशिश की तो मुझे यह पता चला कि यह मूर्ति यहाँ पर तब से विराजमान है जब यह कॉलेज या यह बिल्डिंग अपनी शैशव अवस्था में था, और यदि गर्भावस्था से यदि किसी शिशु को उसकी माँ का प्यार मिले तो वह इमारत, वह व्यक्तित्व कितना विशाल होगा उसका अंदाजा आप सभी लगा सकते हैं, क्योंकि आप सभी उसकी जीती जाती निशान है। तो मित्रों, वर्तमान में हमारा नेशनल मेडिकोस ऑर्गेनाइजेशन हमारी इस सुनहरी इमारत के अंदर अपनी शैशव अवस्था यानी गर्भावस्था से बिल्कुल बाहर निकल चुका है। अब इसके माँ और इसके बाप आप सभी हैं, हम सब साथ मिलकर यह प्रयास करेंगे और हम देखेंगे यह कैसे फूलता है, कैसे फलता है। इस समय यहां पर दो या तीन पीढ़ियां इकट्ठी बैठी हुई है, एक पीढ़ी वो जो हमारा भविष्य है, एक पीढ़ी हम जैसे लोगों की जो वर्तमान को बड़ी सुंदरता के साथ, आपने कही ना वर्तमान ने माड़िए छियो, और एक पीढ़ी वो जो अपना सुनहरा काल व्यतीत कर चुकी है लेकिन जीने का हौसला इतना बुलंद है कि इन बच्चों से अपने आप को किसी को कम समझते नहीं। तो आज यह तीनों पीढ़ियों के हाथ में इस सुरेंद्रनगर की यूनिट की नींव डाली जा रही है और इस नींव का साक्षी मैं बन रहा हूं, उसका मुझे अत्यंत आनंद है। मित्रों, ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे जो सीनियर्स हैं या मेरे अग्रज हैं आज हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से व्यस्त है और इसीलिए आज मुझे सौभाग्य मिला आप लोगों के बीच में आने का। मेरे सहपाठी मित्रों, डियर स्टूडेंट्स, जब हम यहाँ से मेरे जैसा व्यक्तित्व खड़ा होकर ये कुछ ऐसी बातें बोलता है जो समझ में आती है, कुछ ऐसी बातें बोलता है जो समझ में नहीं आती, तो संसद में जैसे हमारे पप्पू जी सो जाते हैं वैसे आप लोगों को भी सोने की इच्छा हो जाती है, मैं समझ सकता हूँ। और ख़ासकर दोपहर को 2 बजे के बाद जब हम भोजन ग्रहण कर लेते हैं, ब्लड सप्लाई पूरी स्टमक में डाइवर्ट हो जाती है, यहाँ सब खाली हो जाता है और फिर मेरे जैसा कोई गांधीधाम से आकर आप लोगों के बीच में लंबी लंबी बातें करे, बड़ी बड़ी बातें करे, मुझे नहीं समझ में आता कितनी समझ में आती है कितनी नहीं समझ में आता। बच्चों, आप लोगों को एक छूट कि जब भी बोरियत सा लगे, जवाई आने लगे, नींद आने लगे, मुझे एक इशारा कर देना, ऐसे ऊपर हाथ उठा देना पीछे से, मैं समझ जाऊँगा मुझे अपनी वाणी को विश्राम देना है। आइए सबसे पहले मैं वह कार्य कर लूँ
जिसके लिए हम मुख्यतः यहाँ एकत्रित हुए हैं, यानी कि चरक शपथ। मित्रों, हम और आप चिकित्सा व्यवसाय में हैं। चिकित्सा व्यवसाय में ऐसी बहुत सारी सी गलतियां हैं जो हम जाने अनजाने में कर जाते हैं। मानवीय स्वभाव है, मानवीय जिज्ञासा है, मानवीय मन है और मानवीय अभिलाषाएं हैं, और यह अभिलाषाएं कभी अच्छे मार्ग की तरफ ले जाती है, कभी बुरे मार्ग की तरफ ले जाती है। इसीलिए ये संहिता तैयार की गई है। संहिता के कुछ पन्नों को टटोल कर इस शपथ को तैयार किया गया है। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि कृपया अपने स्थान पर ग्रहण कर ले, अपने स्थान पर खड़े हो जाए, मेरे साथ यह शपथ दोहराए। मैं समझता हूं कि कई लोगों को यह शपथ बहुत भारी भारी लगेगी, क्योंकि बड़े भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन आपसे निवेदन करूंगा कि कम से कम साल में 4 बार इस शपथ को पढ़ने की कोशिश करें। और जो व्यक्ति MBBS प्राप्त कर चुका है, यदि इस शपथ को ध्यान से देखेगा तो अवश्य समझेगा कि इसका प्रयोजन क्या है। मित्रों, कैसी सुहानी है यह दोपहर। मैं रंगीन शीशों के गलियारों से निकलकर सीढ़ियों को चढ़ते हुए जब आपके मध्य में पहुंचा, तो मैं वास्तव में करता हूं मित्रों, उन कुछ ही क्षणों में मैंने अपना बचपन जी लिया और अपने मित्रों का बचपन जी लिया। मुझे याद आ गए अपने वह दिन जब मैं एनाटॉमी के क्लासरूम से बाहर निकलता था, डर से ठिठुरता था और एनाटॉमी के डिसेक्शन हॉल में जाया करता था। आज आप सभी से मिलने के दौरान वह दिन, वह बचपन की यादें न सिर्फ मेरी खुद की ताज़ा हो गई, मेरे साथियों की, मेरे दोस्तों की, मेरे हम उम्रों की, सभी की याद आ गई। मुझे याद आ गई कॉलेज के सामने वह चाय की छोटी सी घूंटी, मुझे याद आ गई डीन ऑफिस के बाहर खड़ा हुआ वह चपरासी जो रोज मुझे धमकाया करता था, मुझे याद आ गया बैडमिंटन का वह कोर्ट जो डीन ऑफिस के सामने आया करता था, और मुझे याद आ गई गर्ल्स हॉस्टल की वो सीढ़ियां जो मैं कभी कभी भूल से चढ़ जाया करता था। तो मित्रों, कहते हैं कि उमंगे जवान होती है और गिरगिट को देखकर गिरगिट रंग बदलता है। आज मैं अपने आप को आपसा महसूस कर रहा हूं, मैं धन्यवाद हो गया। मित्रों, आप सभी को अनेकों अनेक बधाइयां देना चाहता हूं और आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप एक बार अपने लिए ताली बजाएं, और अपने लिए ताली इसलिए बजाएं क्योंकि आपने वर्षों की अथक मेहनत और परिश्रम करने के बाद इस शिक्षा मंदिर में आने का साहस किया है, और इस शिक्षा मंदिर से यदि आप बाहर निकलेंगे तो वह व्यक्ति, वह डॉक्टर बाहर निकलेगा जो समाज में कहीं भी जाएगा सम्मान से देखा जाएगा, जिसे डॉक्टर कहा जाएगा, जिसके पैर छुए जाएंगे, जिसे कहीं भी जाओ कुर्सी से उठकर लोग सलाम करेंगे। अरबपति, खरबपति, करोड़ोंपति, न जाने क्या क्या होंगे, उनको कोई पूछे या ना पूछे, आपको अवश्य पूछेगा। इसलिए कहता हूं कि एक बार अपने लिए। मित्रों, जब किसी व्यक्तित्व का बोलने के लिए नंबर डॉक्टर रूपम जैसे वक्ता के बाद में आए तो क्या हालत होती होगी, आप वो सोच लो। क्योंकि चेहरे की मुस्कान इतना कुछ बयान कर देती है कि आदमी को बोलने के लिए शब्दों की आवश्यकता ही नहीं होती। और जब यदि उनको देखो तो उनके चेहरे की मुस्कुराहट ही कुछ ऐसी है कि वह दामन से पीछा छोड़ती ही नहीं। वो एक्चुअली कुछ कहना चाहते थे लेकिन सांकेतिक भाषा में बोलकर वह छोड़ गए, और मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। मित्रों, आज जब आप लोगों को देखता हूं, दुर्भाग्य से कुछ परीक्षा वगैरह के कारण आज प्रथम वर्ष के छात्र यहाँ मौजूद नहीं है। यह बात मैं लगभग प्रथम वर्ष के छात्रों से करता हूँ क्योंकि फ्रेशर्स वेलकम में जाने का मौका मिलता है। अभी 10 दिन पहले मैं अदानी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में फ्रेशर वेलकम में चीफ गेस्ट था, मैं वहाँ होके आया। अब आप लोगों के बीच में हूँ, मुझे पता नहीं आप लोगों के शुरुआती दिन कैसे हुआ करते थे, लेकिन मित्रों हमारे शुरुआती दिन, रूपन सर बोल रहे थे, और सौभाग्य उनका कि उनके केवल 3-4 महीने ही ऐसे होते थे, सर हमारा पूरा साल ऐसा निकलता था। और मित्रों मैं आपको बताऊं, खाली कल्पना कीजिए, चेतन वोरा, जिसकी मूछ का नामो निशान नहीं है, वो फौजी कट, हेयर कट बिल्कुल काट के यूं छोटे करवा दिए जाते हैं, सफ़ेद शर्ट, सफ़ेद पैंट, काले रंग का बेल्ट, सफ़ेद मोजा, सफ़ेद जूते जिसमें एक भी दाग नहीं दिखना चाहिए, और
कॉलेज बहुत बड़ा हुआ करता था, तो कॉलेज का जो गेट है बाहर से और उससे अंदर कॉलेज की दूरी कम से कम 500 मीटर यानी कि आधा किलोमीटर। आधा किलोमीटर में छात्रों की पूरी लाइन, छात्रों छात्राओं की पूरी एक लाइन, लड़कियां भी क्या दो चोटी बांधना, सफ़ेद रिबिन लगाना, ठीक है, और ये जीन्स वींस तो भूल जाइए मैडम, सफ़ेद कुर्ता, सफ़ेद सलवार, सफ़ेद जूते, सफ़ेद मोजे, वो भी कैनवास के जूते पक्के, ठीक है। तीसरी बात, सामने देखने की इजाज़त नहीं, सामने कौन है, यू नीड टू डू लाइक दिस, आपकी नज़रें नीचे होनी चाहिए। दुर्भाग्य से रास्ते में एक चपरासी भी मिल गया तो वो बोलता था अबे नीचे देख। और मित्रों मैं उस समय का विद्यार्थी था, मतलब मैं जन्मा जरूर गुजरात में यानी कि अंजार में, पिताजी को किसी कारणों से मध्य प्रदेश शिफ्ट होना पड़ा। हमारे ज़माने में 1986 वाज माय फर्स्ट ईयर, उस समय मेडिकल में एडमिशन आजकल आप नीट से लेते हैं यहाँ पर, हमको मिलता था प्री मेडिकल टेस्ट PMT से, बिल्कुल सेम सिस्टम, यही सिस्टम था। तो और होता कैसा था कि जैसे ही आपने PMT पास की आपका रुतबा चार गुना हो गया, आजू बाजू आस पड़ोस मम्मी पापा चाचा चाची दोस्त यार सब डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब बोलना चालू कर देते थे, हम हवा में उड़ने लगते थे, आजू बाजू आने वाले जैसे ही आपने PMT पास की रिपोर्ट का थोथा लेके चले आते थे, जुओ तो साहेब आने सूती कुछ। अब आप सोचिए हालत, अभी आप एक महीने पहले PMT पास करने के बाद हवा में उड़ रहे थे अपने आप को, वो सबसे बड़ा न्यूरोसर्जन न्यूरोफिजिशियन न जाने क्या क्या समझ रहे थे, और जहां मेडिकल कॉलेज में घुसे और देख खड़ा है सिट्टी पिट्टी गोल, नानी दादा सब याद। और तकलीफ ये थी कि केवल सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर फिफ्थ ईयर के सीनियर्स मुझे नहीं लेते थे, कॉलेज का चपरासी, कॉलेज का धोबी, कॉलेज के वार्ड बॉय, सब के सब मजे लेते थे और हम एक मनोरंजन का साधन बन जाया करते थे। और उसकी हद क्या होती है ये सभ्य संस्कृति में बैठकर बात करना, ये उसकी सीमा से परे है। आप में से अधिकतर सब लोग जानते होंगे, सुन लीजिए, गुनगुना लीजिए, लेकिन वो ऊंचाइयां जो PMT पास करने के बाद मिली होती थी एकदम से इंसान को धरातल दिखा देती थी और धरातल की याद करा देती थी। और मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि आज फिर आपके परिसर में आकर मेरे वो पीड़ादायक युग, जिसे कि मैं सुहाना युग कहता हूँ क्योंकि बाद में बहुत सारे रिलेशंस डेवलप होने का यह कारण हुआ करता था उन दिनों, मुझे याद आ गया, मैंने वापस उन पलों को जी लिया। इसलिए धन्यवाद डिंपल जी, धन्यवाद सिद्धेश सर, धन्यवाद आप सभी कि आज वापस मैं उन पलों से दो चार हो पाया। चलिए मित्रों, आप सब मेडिकल कॉलेज में आ गए, अब आपका अभ्यास चालू हो गया, इसका मतलब ये बात पक्का है कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, आप डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं, उसके कारण बहुत सारे कारण होंगे। यदि मैं किसी से इस भरी सभा में पूछूं, खड़े होकर यही बोलेगा मैं डॉक्टर बनकर देश की सेवा करना चाहता हूं, दूसरा कहेगा कि मैं डॉक्टर बनकर समाज की सेवा करना चाहता हूं, तीसरा व्यक्ति यदि कोई ज़्यादा प्रैक्टिकल हुआ तो धीमे से ये भी बोलेगा कि मैं डॉक्टर बनकर खूब पैसा कमाना चाहता हूँ, चौथा यह भी बोलेगा कि बिल्कुल मेरे घर में पैसे की कोई कमी नहीं, पिताजी बिल्डर हैं, लेकिन मैं डॉक्टर इसलिए बनना चाहता हूँ क्योंकि सोसाइटी में डॉक्टर्स का एक अलग स्थान होता है। और मैं भी मानता हूँ कि लोग पीछे कुछ भी कहे सामने तो अच्छा अच्छा ही बोलते हैं, इसलिए डॉक्टर्स को वो वाली रिस्पेक्ट मिलती ही है। इसलिए चौथा कारण ये भी हो सकता है कि डॉक्टर्स को रिस्पेक्ट अच्छी मिलती है इसलिए मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। पांचवा सज्जन ये भी कह देगा हाँ मैं कुछ रिसर्च वर्क करके इस फील्ड को और बेहतर बनाना चाहता हूँ। मतलब सबके अलग अलग रीजन्स होंगे, अलग अलग नियम, अलग अलग कायदे होंगे, लेकिन सब डॉक्टर बनना चाहते हैं। और डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं, क्योंकि डॉक्टर की एक पोजीशन यहाँ पर है। लेकिन यदि इस पोजीशन तक पहुँचना है मित्रों तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मेहनत भी इतनी करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको बता दूँ सारे मापदंडों और पैमानों के बाद यह साबित हो चुका है कि भारतीय चिकित्सा शास्त्र पूरे विश्व का सबसे मुश्किल कोर्स है। यदि आप पूरे विश्व की गणना कर लीजिए, सभी विश्व के कोर्सेस को इकट्ठा कर लीजिए और परीक्षा पद्धति के साथ उनका तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिए, तो यह साबित कर चुका हो चुका है
कि द टफेस्ट एग्जाम इज द फाइनल एमबीबीएस एग्जाम वर्ल्ड ओवर एंड द टफेस्ट कोर्स वर्ल्ड ओवर इज द इंडियन मेडिकल साइंस. इसलिए यदि आपने इसके अंदर कदम रख लिया तो बेटा आने के तो रास्ता है, एमबीबीएस के बिना जाने का कोई रास्ता नहीं है. इसलिए यदि अब आ गए हो तो कुछ करके ही जाओगे, और कुछ करने के लिए नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन आपका बहुत सहयोग करेगा. और वो कैसे सहयोग करेगा मित्रों, बीच बीच में एनएमओ की बात करता जाऊंगा मैं आपसे, फिर से बता देता हूं, बोर हो तो हाथ उठा देना. नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा है ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको लोग ये जरूर बताता है कि आपको क्या करना है, क्योंकि अकेला इकलौता एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो ये मानता है कि समाज का उसके ऊपर ऋण है, और समाज के ऋण का रीपेमेंट करने के लिए, उसे चुकाने के लिए हमने नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन की व्यवस्था की है. जैसा रूपम सर ने बिल्कुल कहा कि हम पढ़े लिखे लोग उन लोगों में से होते हैं जो किसी को भी यदि कुछ देते हैं तो वसूल कर लेते हैं, और यह वसूली डायरेक्टली नहीं होती, यह वसूली इनडायरेक्टली होती है. आपका व्यक्तित्व निखरेगा, आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन बदलेगा, आपका सोसाइटी में खड़े होने का जज्बा बदलेगा, और आपको हर चीजों को देखने की द्वितीय दृष्टि प्राप्त होगी जिससे आप समाज को और राष्ट्र को नई नजरों से देख पाएंगे. तो मित्रों यह तो प्रथम पायदान है मेडिकल साइंस की, इसके आगे न जाने कितनी पायदान बाकी है, क्योंकि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई और इम्तहान अभी बाकी है. अभी तो माफी है, मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है, सारा आसमान बाकी है. मित्रों जब आपने एमबीबीएस प्राप्त किया तब आपको क्या लगा, क्या यह आपकी सफलता थी? सच्ची बता, क्योंकि एक हमारा समय हुआ करता था मित्रों, जिस समय मेरे पापा को यह पता चलता था कि मैंने साइंस सब्जेक्ट लिया, और फिर उसके बाद साइंस में बायोलॉजी ली या मैथमेटिक्स लिया, वो पता पता चलते चलते उसको एक आध साल लग जाता था. और इतना जरूर बताया कि बच्चा बड़ा होकर डॉक्टरी के बारे में सोच रहा है, बढ़ पाएगा कि नहीं बन पाएगा उसको कुछ नहीं पता. बाकी उस बेचारे के पास इतना समय भी नहीं होता था कि वह मेरे साथ बैठ सके या मेरे साथ काम कर सके. लेकिन मित्रों वर्तमान पीढ़ी जिसमें मैं खुद एक पालक हूँ, मैं खुद एक पिता हूँ, मैं यह देखता आया हूँ कि आज की तारीख में आपका सपना आपका अकेले का सपना नहीं होता, आपका सपना आपके परिवार का सपना होता है. मुझे मालूम है कि जब आप 11th और 12th में पढ़ाई कर रहे थे तो उस समय माँ भी आपके साथ शायद रात भर जागती थी, आपकी छोटी बहन रात को उठकर आपको चाय का एक कप ऑफर करती थी कि ले दीदी पी ले नहीं तो नींद आ जाएगी. और मुझे यह भी पक्के से पता है कि पिताजी बेचारे दिन भर इस उधेड़पुर में रहते थे कि आपकी एलएम की फीस बड़ी महंगी है, कैसे देंगे, कैसे उसका जुगाड़ करेंगे या उसके बारे में क्या करेंगे. जब आपकी परीक्षा आती थी पिताजी मेरे को अच्छे से मालूम है मैंने किया हुआ है, पिताजी अपनी ड्यूटी की तरफ कम ज्यादा ध्यान देते थे, घर में आकर यह देखते थे कि बच्ची मेरी बच्चा मेरा सही समय पर सो रहा है या नहीं सो रहा है, और नहीं सो रहा है तो आपको आके कहते थे बेटा थोड़ा सा तो आराम कर ले, कल सुबह जल्दी उठ जाना तब जाके तुम्हारा कोर्स पूरा होगा. वह परीक्षा एक व्यक्ति की परीक्षा आज के जमाने में नहीं होती, यह परीक्षा पूरे परिवार की या तीन या चार लोगों की परीक्षा होती थी. इसलिए मित्रों एमबीबीएस की डगर बड़ी कठिन है, और इस जगह पर कई बार निराशा या हताशा का सामना आप लोगों को करना पड़ेगा. और आज की तारीख में कुछ ऐसी तवारी कुछ ऐसे दिन कुछ ऐसे संस्कार आ गए हैं कि निराशा में हम जल्दबाजी में कुछ भी गढ़ बैठते हैं, कुछ भी गलत कदम उठा लेते हैं. मित्रों मैं आपसे आपके पापाओं आपकी माताओं की तरफ से आपसे विनंती करता हूं कि कभी भी हताशा आए तो निराश मत होना, सोचना ही जिंदगी का सबसे खराब समय है, अच्छा समय आना बाकी है, और भगवान से प्रार्थना करना कि वह अच्छा समय आए तो उस समय आए जब आप नीट पीजी की एग्जाम दे रहे हो, क्योंकि नीट पीजी में यदि आप निकलोगे तब जाकर आगे पोस्ट ग्रेजुएट कर पाओगे, अपना सपना पूरा कर पाओगे और अपने माँ बाप का भी सपना पूरा कर पाओगे. हरिवंश राय बच्चन कह के गए कि असफलता एक चुनौती है उसे स्वीकार करो, असफलता एक चुनौती है उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई
देखो और सुधार करो, जब तक सफल न हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक सफल न हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर यूं ही मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मित्रों, मेडिकल फील्ड के लिए या चिकित्सा जगत के लिए ये जो वर्तमान का दशक है, यह दशक बहुत खराब है। और यह दशक इसलिए खराब है कि हमारी यथार्थता के ऊपर बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। अब मैं क्या कहूं, जब मेरा स्वप्न दृष्टा आदरणीय मोदी जी जब आज से 5-7 साल पहले जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, मेरे बहुत ज्यादा आदर्श हैं, आज भी मेरे आदर्श हैं, क्योंकि वो बहुत सारे ऐसा काम करते हैं। लेकिन मुझे दुख ऐसा तब होता है कि जब उनके जैसे ज्ञानी पुरुष ही हमारी यथार्थता पर प्रश्न चिन्ह उठा देते हैं और ऐसी बहुत सारी बातें चिकित्सकों के बारे में चलायमान हो जाती है, जिससे सुनकर शायद आपको भी पीड़ा होती है और जिसे सुनकर देखकर मुझे रोज पीड़ा होती है। मैं फिर से कहता हूं कि डॉक्टर यह समाज का एक अंग है। यदि आप ये सोचोगे कि समाज में व्याप्त प्रदूषण में समाज भले ही खराब हो जाए, डॉक्टर खराब न हो, तो वो वाजिबी नहीं है। यदि 10% समाज खराब होगा तो 10% चिकित्सक भी ऐसे निकलेंगे जो अपनी राह से गुमराह हो जाएंगे। लेकिन 10% गुमराह लोगों के कारण पूरी जाति को गाली देना कहां का न्याय है, मेरी समझ में आज तक नहीं आया। मित्रों, हो सकता है आने वाला भविष्य इस प्रश्न का उत्तर जरूर देगा, लेकिन आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वर्तमान में इस ओर ध्यान देना बहुत जरूरी है। मित्रों, एक बात पक्का कहता हूं कि ठीक है आप डॉक्टर बनने आए हैं, पैसे की जरूरत सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा इसलिए है कि वर्तमान में समय में प्रतिष्ठा का मापक अर्थ है, जिसके पास पैसा उसकी बलिहारी, जिसके पास पैसा नहीं उसकी गर्तधारी। ये वह वाला जमाना आ गया। एक जमाना ऐसा हुआ करता था जब गुणों को पूजा जाता था, वर्तमान जमाना ऐसा है जब पैसों को पूजा जाता है। लेकिन मित्रों, अनुभव से आपको बता रहा हूं कि पैसों के पीछे भागने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप में स्किल है, यदि आप टेक्निकली स्किल्ड है, तो शायद आपको सटल होने में, व्यवस्थित होने में 5-7 दिन लगेंगे, फिर आपको पैसे के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। पैसा खुद ब खुद आपके पीछे भाग कर आएगा। जब मैं सर्जन होकर अपना काम छोड़कर, ये एक दिन नहीं, मैं ऐसे 10 दिन बाहर निकल सकता हूं बिना किसी चिंता के कि अर्थ का क्या होगा। मैं वास्तव में आपको बता रहा हूं कि जब मैं जाके अपनी कुर्सी पर बैठता हूं, उससे ज्यादा अर्थ मिलता है जिसकी मुझे जरूरत होती है। तो यह आपको भी मिलेगा। शायद इसी अर्थ की गतागम के अंदर हम थोड़ा सा बदनाम हो गए, और थोड़ा सा हम बदनाम हुए और ज्यादा बदनाम कर दिए गए। प्रॉब्लम यह है कि मीडिया की भी बलिहारी है, और ये मीडिया क्या क्या नहीं कर सकता, उसके वर्तमान उदाहरण आप लोग देख रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जब भी किसी मरीज का इलाज करो, क्योंकि आप लोग सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स हैं, क्लिनिक्स जाते होंगे, क्लिनिक्स में मरीजों से मिलते होंगे, 10 स्टूडेंट्स या 8 स्टूडेंट्स के बीच में एक मरीज अलॉट कर दिया जाता होगा। बार बार वह इतनी व्यथा कहते कहते शायद बेचारा, समझ सकते हैं आप, हो जाता होगा, ठीक है। लेकिन कम से कम जब भी किसी मरीज की चिकित्सा करो भविष्य में, तो अपने आप को उसके स्थान पर रखकर सोचना, उसकी पीड़ा को थोड़ा सा आजमा कर देखना, तब आपको उसकी झुंझलाहट, उसकी परेशानी और उसके खराब स्वभाव के बारे में पता चल जाएगा। जिस दिन यह अनुभव करने लग जाओगे, उस दिन सच्चे चिकित्सक बनने के द्वार की तरफ ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाओगे। मित्रों, हम जो वर्तमान में एलोपैथी चिकित्सा ग्रहण कर रहे हैं, यह वेस्टर्नाइज्ड है, और हिप्पोक्रेटिक ओथ के अंदर एक चीज लिखी हुई है कि आप जब भी मरीज का इलाज करो, उसके साथ भावनाओं में न बहो, उससे किसी तरह का संबंध स्थापित न करो। पता नहीं ये सब मेरे सीनियर्स बैठे हैं, इनका क्या अनुभव रहा है। मैं आज तक इस हिप्पोक्रेटिक ओथ में असफल हूं, अव्वल दर्जे का बेवकूफ आदमी हूं। मैं अपना अपने हमेशा अपने मरीजों से जुड़ जाया करता हूं, कई बार मैं उनके बर्थडे, उनके सेलिब्रेशन में घूम आया करता हूं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई मरीज जो बेचारा बहुत
क्लोज आ गया होता है, इलाज करते करते यदि कुछ गड़बड़ हो जाए तो आंख से चार आंसू निकल आते हैं, किसी कोने में जाकर उनको पोंछ लिया करता हूं, लेकिन अभी तक हिप्पोक्रेटिक ओथ के इस लाइन को मैं नहीं अपना पाया कि मैं हृदय विहीन होकर अपने मरीज की सेवा कर पाऊं या उनकी चिकित्सा कर पाऊं। और लेकिन मुझे कई बार ये भी लगता है कि यदि एक भारतीय हूं तो भारतीय मन से जुड़ता है, पैसे से या व्यवसाय से नहीं जुड़ा करता। शायद मैं अपनी नजरों में सही हूं, लेकिन हिप्पोक्रेट की नजरों में एज ए चिकित्सक, एज ए डॉक्टर शायद मेरा कोई स्थान नहीं है। नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन इतना जरूर समझता हूँ कि जब भी उसके दर्द को सुनने की बात करता हूं तो किसी कवि ने कुछ बात कही, मुझे कई बार बात अच्छी लगती है कि एक दिन दर्द ने दौलत से कहा, एक दिन दर्द ने दौलत से कहा कि अरे तुम कितने खुश नसीब हो, तुम्हें पाने की सब आशा रखते हैं। तो यह बात सुनकर दौलत ने झुंझला कर कहा कि अरे नहीं, मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूं, अच्छे तो तुम हो, क्योंकि जब भी किसी के जीवन में दर्द के रूप में तुम आते हो तो उसे अपनों की याद आती है। अरे वह दौलत किस काम की जिसे पाकर लोग अपनों को भी भूल जाते हैं और मुंह फेर कर चले जाते हैं। तो मित्रों, मैं आज भी भारतीय संस्कृति और भारतीय कल्चर में रहने वाला इंसान हूं, अपने आप को इस लायक बनाने की कोशिश करता हूं कि हिप्पोक्रेट के अर्थ में डॉक्टर कहला पाऊं। यदि कभी सफल हुआ तो आपको इत्तला जरूर कर दूंगा। समय आई कैन स्पीक। मित्रों बोलो, बता देना। आइए मित्रों आगे बढ़े, उसके पहले एक बात करें। मैंने आपसे कहा कभी भी निराशा की गर्त में मत जाना, और निराशा की गर्त में मत जाना इसका मतलब यह कि कुछ भी करने का हौसला हमेशा अपने दिल में सबसे ज्यादा रखना। एक महिला है महाराष्ट्र में जिसकी उम्र जो मैं बात कर रहा हूं ये उस समय 67 साल 67 year old फीमेल सी वाज, द नेम वाज लता भगवान करे। ये और इनका हस्बैंड महाराष्ट्र के बॉर्डर पे ही दाहोद लगता है, दाहोद के किसी गांव में रहते। उनकी तीन बेटियां थी, मजदूरी काम करते थे। उन्होंने अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी अपनी तीनों बेटियां की ब्याह में लगा दी। अच्छा, भारतीय माँ बाप का सबसे बड़ा सपना होता है बिटिया का ब्याह कर दो, और बिटिया का ब्याह कर दो तो ऐसा लगता है आहा सातों आसमान हमने छू लिए। तो अपने उनने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा पुण्य कमा लिया कन्यादान करके। अब इसके बाद रह गए घर में मियां और बीवी। तो वो दिहाड़ी मजदूर, जो हिंदी भाषी छात्र होंगे, दिहाड़ी मजदूर यानी कि डेली वेजेस वर्कर, वो डेली वेजर लेबर के रूप में अपना कार्य करते थे और अपना भरण पोषण आसानी से करते थे। भगवान की दया से खाने पीने को अच्छा मिल जाया करता था। अब 67 साल की महिला तो उनके पति देव 71 या 72, क्योंकि उस समय 4-5 साल का अंतर हुआ करता। अब उनके पति देव को कोई इन्फेक्शन लग गया। जब इन्फेक्शन लग गया तो वो बेचारी दौड़ी दौड़ी अपने पति देव को लेकर जो नजदीक का स्वास्थ्य केंद्र था वहां पर लेके गई। डॉक्टरों ने देखा, डॉक्टरों ने देखने के बाद उसे बोला कि भाई ये तो मामला कुछ गड़बड़ है, इसके लिए बहुत सारी रिपोर्ट्स करानी पड़ेगी और आपको यहाँ से टर्शरी केयर हॉस्पिटल में लेकर जाना पड़ेगा। अब वो डेली वेजेस वर्कर, रोज खाओ रोज कमाओ रोज रोज उड़ाओ, उनके पास पैसे नहीं, उसके काटो खून नहीं, हाथ पैर सब फूल गए, करे तो क्या करे। बेचारी घर आई, गली मोहल्ले में सबके यहाँ घूमी, जाकर सबने किसी से 10 रुपए, किसी से 50 रुपए, किसी से 60 रुपए लेकर कुछ रुपए हाथ में आए और कुछ रुपए लेकर वो निकली पास के दवा खाने की तरफ। उस जगह का नाम मैं भूल गया, कोई डिस्ट्रिक्ट प्लेस था, उस जगह पर वह दवा कराने के लिए उसको लेके गई। जब वहां पर जाके डॉक्टर ने देखा, परीक्षण किया, वो वेटिंग रूम में बाहर यूं हाथ पर हाथ रखे बैठी, दरवाजे की जगह आशा भरी निगरों से देख रही। डॉक्टर बाहर आए, उसको लगा साक्षात भगवान मेरे सामने आए, और बड़ी आशा से उनके उत्तर की राह देखने लगी कि अभी अच्छा सा समाचार देंगे कि तुम्हारे पति बिल्कुल बराबर हैं। बट होनी को कुछ और ही मंजूर था। उसने कहा कि आपके पिताजी को, आपके हस्बैंड को हृदय का दौरा पड़ चुका है, 2-3 vessel block है, बाईपास ऑपरेशन कराना पड़ेगा, उसके पहले एंजियोग्राफी करानी पड़ेगी, और मेरा इरादा ये बोल रहा है स्ट्रेस टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए हो सकता है बाईपास या एंजियोप्लास्टी होगी।
उसका खर्चा 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए कुछ आएगा। उस औरत को खाने के लिए घर में कुछ नहीं, काटो तो खून नहीं, बड़ी मुश्किल से जमा पूंजी 1-1.5 हजार रुपए लेके वो हॉस्पिटल में आई थी। उस औरत की आंखों में आंसू आ गया, तब तक हस्बैंड भी बाहर आ चुका था, उसने भी सुन लिया। उसने अपनी बीवी को अपनी बाहों में लिया, कहा प्रियवर घबराने की कोई चिंता नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा, मेरे पास उसको भी पता था इतने पैसे कहां से आएंगे। तो उसने कहा कोई बात नहीं, हमारे पास जितने दिन हैं अच्छे से जिएंगे। कह के वो बाहर आए, दोपहर का समय हो चुका था, खाना नहीं खाया था, पास में एक समोसा वाला खड़ा था, उसके पास गए, उसने एक पेपर पे 2 समोसा रख के दिया। औरत ने वो समोसे हाथ में लिए, समोसा जैसे ही उठाया नीचे लिखा 3 लाख रुपए का इनाम। अब उस औरत की आंख चौड़ी हो गई, 3 लाख रुपए का इनाम। उसने फटाफट समोसे अपने हस्बैंड को पकड़ाए, इसको ले मेरे को पढ़ने दे। उसने अखबार में पढ़ा मैराथन रेस का आयोजन हो रहा है जिसकी प्राइस मनी 3 लाख रुपए है। 67 साल की बुढ़िया 3 लाख रुपए के सपने देख रही है मैराथन दौड़ में जाने की। उसने कहा चाहे जो भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मुझे इस मैराथन में भाग लेना है, प्राइज मनी जीतनी है, अपने हस्बैंड को ठीक करना है। दूसरे दिन गई, मैराथन रेस का आयोजन बहुत बड़े पैमाने पे किया गया था। आप देखिए बिल्कुल नाइक के जूते, फर्स्ट क्लास टी शर्ट, स्लीवलेस पहन के कुछ धावक लड़कियां टाइट्स पहने हुए, और एक तरफ ही मैली कुचली साड़ी, नंगे पैर, बिखरे बाल, और जाकर बोलती है कि मेरा नाम मैराथन दौड़ में लिख लो। आयोजक दंग, इसको कैसे दौड़ने देंगे, कहीं चलते चलते इसी को अटैक आ गया तो मेरे हमको प्रेस को जवाब देने यार, हमको पुलिस वालों को जवाब देना, हम किस किस को जवाब देते हैं। उन्होंने मना कर दिया, नहीं आप मैराथन नहीं दौड़ सकती। उस औरत ने लोगों के हाथ जोड़े, लोगों के पैर पड़े, गिड़गड़ाया, लिटरली गिड़गड़ाया, और बोला कैसे भी हो मुझे ये मैराथन दौड़ने दो, ये मेरा सपना है, मेरे को मैराथन दौड़ने दो। जब कई लोगों के हुजूम ने यह दृश्य देखा तो सामूहिक परमिशन दी गई कि हाँ तुम मैराथन दौड़ सकती है। मित्रों मैराथन की स्टार्ट लाइन पर लोग दम दमाते हुए जूतों के साथ एक लाइन से खड़े हुए हैं, बीच में यह मराठी महिला जाती है, अपने साड़ी को उठा के कमर में खोसती है, और जैसे ही सीटी बजती है वो ऐसा दौड़ती है, ऐसा दौड़ती है कि न उसे दिन दिखता है न रात, न लोग दिखते हैं न आसमान, न अपनी सांसों की चिंता है, न कुछ और चिंता है, दिल में एक ही ख्वाब है कि कैसे भी हो मुझे यह रेस दिख कर जाना है और अपने पतिदेव को स्वस्थ करना है। मित्रों कोई काल्पनिक कथा नहीं है, आप लोगों को सुनाने के लिए मैं कुछ भी कहानी नहीं कर रहा हूं, चाहो तो गूगल करके देख लेना। उस औरत ने उस दिन यह मैराथन जीती है और 3 लाख रुपए लेकर अपने हाथ में गई है, और उस 3 लाख रुपए से उसने अपने पतिदेव का इलाज करवाया है, और मुस्कुराते हुए हंसते हुए छाती फुलाकर वापिस उसने अपने गांव में प्रवेश किया है। मित्रों यह होता है जज्बा, यह होता है हौसला, और यह होता है कुछ भी कर मिटने की तरकीब, यदि लक्ष्य निर्धारित है तो। मित्रों आप तो कुछ भी कर सकते हो, यह तो 67 साल की महिला थी, अरे तुम तो 20 साल के, 21 साल के, ये 22 साल के नौजवान है, तुम्हारे लिए तो पूरी दुनिया बाकी है, इसे देखने की उम्र बाकी है, तुम इतने सक्षम हो कि यदि चाहो तो कल में करने वाली चीज तुम आज कर सकते हो, और मिनटों में चुटकियों में यदि एकाग्र हो जाओ तो अपने हर सपने को, न सिर्फ अपने सपने को, अपने परिवार के सपनों को हासिल कर सकते हो। इसलिए उठो, जागो, और तब तक श्रम करो जब तक कि अपने लक्ष्य को न प्राप्त कर लो। मित्रों माफ करना, हमारे समय में मैं तो ये समझता हूं कि अब मेडिकल साइंस मतलब पास करना आसान है, क्योंकि आपको पता है कि इतने में से इतना पूछा जाएगा, 50% इज द टारगेट। हम लोग तो वो कल्पना किया करते थे हाईएस्ट मार्क आए, शायद आपकी कल्पनाओं से बाहर हो गया हो तो मुझे पता नहीं, लेकिन अब इतने अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स इतनी अच्छी अच्छी जगह से आए हैं तो सबका सपना तो उच्च ही होता है, नीचे सपना तो हम सोचते ही नहीं है, बिकॉज वी आर द डॉक्टर्स, ठीक है। लेकिन अब इस तरह से होने के बाद मुझे लगा सरल होना चाहिए, लेकिन फिर मैं जब छात्रों के बीच में गया तो पता चला कि ये तो बहुत कठिन हो गया। क्यों कठिन हो गया, क्योंकि हमारे जमाने में यदि मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से भी बात करनी होती थी,
जो कि मेरे साथ मेरे कॉलेज में नहीं थी, कहीं दूसरी जगह होती थी तो एसटीडी की लाइन में खड़ा होना पड़ता था, फिर वहां जाके बैठना पड़ता था, 15 मिनट के बाद नंबर आता था और 5 मिनट के लिए बात करने मिलती थी। अच्छा, मेरे पास ऐसा कोई साधन नहीं था जिससे उससे चैटिंग कर सकूं, मेरे पास कोई फेसबुक नहीं था जिस पर मैं रोज अपनी फोटो अपलोड करूं, आजकल तो मैं भी अपना रोज फोटो अपलोड करता हूं, उस समय मेरे पास ऐसा कोई साधन नहीं था। अच्छा, इंस्टाग्राम अवेलेबल नहीं था कि मुझे पता चला कि कौन कैसा दिखता है, किसने नया सूट लिया, किसने नया फोन ले लिया, आजकल नया फोन आया, नोट 8 आया, अपलोड हो जाता है, मैंने नोट माय न्यू फोन, तो वो तो ठीक है जिसने लिया वो खुश है, लेकिन उसके साथी चल रहे हैं बेचारे तो उसने ले लिया मैंने नहीं लिया, और भटकाव के इतने सारे रस्ते जो आप लोग के लिए अब खुल गए हैं सौभाग्य से हमारे जमाने में नहीं हुए। हमारे जमाने में एक ही भटकाव का रास्ता हुआ करता था लड़कों के लिए गर्ल्स हॉस्टल, अब उसकी भी एक लिमिटेशन होती थी, 8 बजे के बाद तो आप किसी से मिल नहीं सकते, और आपको पता है मेडिकल कॉलेज में रात को 8 बजे के बाद ही पढ़ते थे, इसलिए हमारे पास भटकाव के रास्ते कम थे। लेकिन आज आपको इतना बड़ा चैलेंज है कि इन सबसे दूर होकर फिर पढ़ाई करना और उसके लिए समय निकालना, तो मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ कि फिर इम्पोर्टेंट के बिना पास होने का कोई तरीका नहीं मित्रों, इसलिए मैं यही कहता हूँ कि ठीक है भगवान करे आपको आपको और इम्पोर्टेंट को इम्पोर्टेंट मिले, लेकिन इतना जरूर करना कि फेसबुक या व्हाट्सएप या इन सब चीजों का टाइम भले निश्चित न कर पाओ, अपनी पढ़ाई का समय निश्चित कर लेना कि भले मैं ये सब करता रहूं लेकिन कम से कम 4 घंटे पढ़ूंगा, क्योंकि मुझे ये पता है कि गुजरात के अंदर इवनिंग क्लिनिक्स नहीं होती। हम वैसे विद्यालय में पढ़ते थे एसएस मेडिकल कॉलेज रीवा, जहाँ पे सुबह क्लिनिक्स होती थी और शाम को 6 से 8 क्लिनिक होती थी, और हमारे रेसिडेंट ऐसे होते थे कि 8 बजे का मतलब 8 बजे नहीं छोड़ते थे, वो 9:30 बजे तक छोड़ते थे, क्योंकि जितना वो घर से पढ़ के आते थे क्योंकि वो अपनी एग्जाम की तैयारी करते थे और उसका वो टेस्ट हमारे ऊपर किया करते थे, तो वो हमको उतना ही पढ़ाते थे जितना वो पढ़ के आते थे, तो हम तो 8:30, 9 बजे तक पढ़ते थे क्लिनिक में बैठ के, फिर हॉस्टल जाते थे, फिर खाना खाते थे, फिर 10:30 कभी आते थे 1 घंटा, और कभी आने के बाद 11 बजे के बाद पढ़ाई करते थे। लेकिन एनीवे, जो आप लोगों का दृश्य देखा या अपने बच्चे को भी देखा, मैं रोज अपने बच्चे को देख लेता हूँ, आप लोग को देखने की भी इतनी जरूरत नहीं, क्योंकि एक प्रतीक मेरे घर में ही है, तो मैं समझ सकता हूँ कि आपके पास भटकने के कितने साधन है। इसलिए आपसे अनुरोध करूंगा कि सब कुछ करो, सब कुछ सीखा तुमने बट सीख लेना होशियारी, क्योंकि सच्चा है ज्ञान, और ज्ञान ही बेटा तुम्हारे साथ आगे जाएगा और तुम्हें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएगा। किमजी भाई समय ज्यादा हो गया है, मैं अपने साथ मेरे दो मित्र हैं आदरणीय किमजी भाई और आदरणीय वीरम भाई, मैं इन्हें हमेशा अपने साथ रखता हूँ क्योंकि ये मेरा पैरामीटर है, मेरे को बता देते कि बेटा आप गलत बोल रहे हो, धीमे हो जाओ, ठीक है ज्यादा समय हो गया आप बंद कर दो, तो शायद ऐसा ही कुछ हो, इसके पहले कि आप जम्हाइयां लो मैं अपना स्थान ग्रहण करना चाहूंगा। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें करनी है, जरूर कभी मिलेंगे फिर से तब करेंगे वो बातें, क्योंकि हमेशा जब मैं आप लोगों के बीच में आता हूँ मित्रों, मेरे विद्यार्थी मित्रों, मैं अपने आप की उम्र को छोटा महसूस करने लगता हूँ, और हमेशा आदमी छोटा होना पसंद करता है, बड़ा होना नहीं पसंद करता, इसलिए आपकी मुस्कुराहटों को अपने दिल में संजोकर आज मैं यहाँ से विदाई होऊंगा, और इस आशा के साथ विदाई लूंगा कि अति शीघ्र मैं दोबारा आप लोगों से मिलूंगा, और जब मैं दोबारा आप लोगों से मिलूंगा आप लोगों से एक प्रश्न अवश्य करूंगा कि बच्चा सच्ची में बता दे पढ़ाई के लिए कितना टाइम निश्चित किया। यदि कुछ भी लोगों ने यह जवाब मुझे सकारात्मक भाषा में दिया तो मुझे लगेगा कि मेरा आज यहाँ आना वसूल हुआ। बस अंत में अपनी कुछ पसंदीदा लाइनों के साथ, हो गई है पील पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। कलाविद हूं न कविता का विचारों का प्रचारक हूं, कलाविद हूं न कविता का विचारों का प्रचारक हूं, क्रिया जो हो रही भीतर उसी का एक कारक हूं, खुद पे गर्व करने का यही बस एक कारण है, जहां उगता सदा चंदा वहां का एक तारक हूं, वहां का एक तारक हूं। धन्यवाद, वंदे मातरम। कृपया एक बार मेरे लिए मेरे साथ कहेंगे, भारत माता के, भारत माता के,
वंदे मातृ वंदे। खाली आटली ताली थी नहीं चले, बताए स्टैंडिंग ओवेशन आपको जो है वो तो वो ही चीज़ सुपर सरस आपने आटली सरस मोटिवेशन की जाएगी सुपर सरस।